जय हिंद भाई सभी को। बहुत सारे बच्चे ऐसे जीडी में अभी भी काफी कंफ्यूजन में है कि सर कितने नंबर ऊपर जा सकती है कट ऑफ। ये बच्चे भी मेडिकल कराने के लिए आए हैं दोनों। कहाँ से मेरठ सिटी नागौर से प्री मेडिकल के लिए एस एस सी जीडी के लिए। अभी सलाट लेके कितने नंबर थे पेपर में? 130 इसके रो मार्क्स थे। किस डेट को पेपर हुआ था? 25 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत किए थे तुमने? मैंने किए थे गलत, 9 गलत किए। अब सुनना, 9 क्वेश्चन गलत किए थे। पिछली बार मैंने बताया था जिस बच्चे ने एक ही क्वेश्चन गलत किया था उसके नंबर प्लस हुआ था एक ही। गलत क्वेश्चन कितने थे? एक। और उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितना बढ़ा? एक। यानी गलत क्वेश्चन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर कितने बढ़े हैं? 15.50 नंबर बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में जो फर्क पड़ता है वो पड़ता है सिर्फ और सिर्फ किसका? शिफ्ट का, कि आपकी कौन सी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। इसमें कितने नंबर लाट रहे? 130 है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन के बाद नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं? 7 नंबर। और कौन सी कैटेगरी से? एससी से राजस्थान की कट ऑफ कितनी है? 105। अभी इसके प्रेजेंट टाइम में नंबर ज्यादा हो गए 25। अब तुम भी ये सोच रहे हो, तुम ये यहाँ से एक चीज सोचना, नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर ऊपर लाट ले? मेन कट ऑफ से 20 नंबर हो गया। एनसीसी के मेरे 5 नंबर, 15 नंबर एनसीसी के। नहीं, एनसीसी के नंबर मिला के कितने हो गए? 30 नंबर ज्यादा है, 25 नंबर इसके ज्यादा है। अब आप सोच लीजिए आपके कितना ज्यादा है। अगर आपके 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर ज्यादा है ना, अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ज्यादा ऐसे कुछ नहीं होना। कट ऑफ के आंकड़े बढ़ेंगे इस बार, ध्यान रखना। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि एक क्वेश्चन दो नंबर का। मैं हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ ये बात, इसलिए आपको आगे की पढ़ाई भी करते रहना है। दूसरी, ये बच्चे भी मेडिकल कराने आए थे, पूरा मेडिकल हो गया, कोई शक सवाल? संतुष्ट हो? प्रभु क्या नाम है? विक्रम। संतुष्ट हो पूरे? एकदम। ध्यान रखना एसएससी जीडी में जो भी चीज होती है वो पूरा का पूरा मेडिकल होता है आपका, 100%, कोई भी चीज बाकी नहीं। एक तो आपको एडवाइस मिलती है कि कौन सी गलती नहीं करनी है, दूसरी अगर कोई आपकी प्रॉब्लम है तो उसको पहले से ठीक करा सकते हो, इतना एडवाइस मिल जाता है। अभी आपके पास में कितना समय है? एक महीने का समय। इसको इसलिए बता रहा हूँ, बच्चे के 150 नंबर हो गए, चाहे एनसीसी के मिला हो चाहे किससे भी मिला हो, लेकिन कट ऑफ से नंबर ज्यादा है 30, इसके कट ऑफ से नंबर ज्यादा है 25। अब देख लीजिए कितने कितने नंबर ज्यादा है इनके। तो जब इतने नंबर ज्यादा है इसका मतलब कट ऑफ ऊपर तो जाएगी। मेडिकल की कट ऑफ भी जान रखना, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यहां से तो काफी ऊपर जाने के चांसेस है, ठीक है। और हर एक बच्चे के इस बार नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छे नंबर बढ़े, इसके 7 नंबर बढ़े हैं, इसके 15 नंबर बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन में। और ध्यान रखना गलत क्वेश्चन कितने के थे गलत? 5-7। अब इसने कहने वाले 5-6 या 7 क्वेश्चन गलत किए, जबकि इस बच्चे ने 9 क्वेश्चन गलत किए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में नंबर इसको ज्यादा मिले। क्यों? क्योंकि इसकी शिफ्ट हार्ड थी, जिस शिफ्ट में इसने पेपर दिया था उस शिफ्ट में ओवरऑल बच्चों के नंबर कम आए हैं, इसलिए उनके नॉर्मलाइजेशन ज्यादा हुआ है, ये ध्यान रखना। और मेडिकल करा लेने का फायदा ये है लाडले कि आप जब मेडिकल देने जाओगे तो आपको पहले से पता रहेगा कि आपकी कौन सी तो कमी है जिसको आपको छुपाना है, और कौन सी कमी मतलब किस पार्ट का आपको अभी भी इलाज कराना है। जैसे इस बच्चे की आईज 6x6 में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी ये डॉक्टर के पास जाके भी आया था, इसको लेजर का ही बोला है। वैसे तो मैं बता दूं लेजर एसएससीजीडी में अलाउड होता है, लेजर ऑपरेशन के साथ आप वैलिड मेडिकल दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे डॉक्टर से कराए हो तो। लेकिन इसके लेजर की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हल्का सा थोड़ी सी प्रॉब्लम है और दवाई से भी ठीक हो सकती है, ये फायदा हो जाता है प्री मेडिकल का। और कट ऑफ के आंकड़े देख लेना, लाडले दोनों राजस्थान से है नंबर, बाकी राजस्थान वाले अपने कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपके कितने।